और ये बाबा की चरण खड़ा हुए हैं और ये शंख है प्राचीन, ये तो काफी बड़ा दिख रहा है, मैंने आज तक ऐसा शंख ही नहीं देखा। प्राचीन जो महाभारत काल से पहले बताते हैं कि आज से 500 600 700 साल जो भी पुराना है इतिहास ये उसका है। इसकी ये भी खासियत है, आज तो चलो इसमें किसी के अंदर इतनी हिम्मत है लेकिन ये पहले बजता था। देखो हम कहते हैं कि बजता था ये शंख, जो पहले बजता है अभी ये शंख बजते हैं, ये भी बजता अच्छा। है ये पंचमुखी शंख है ये बाबा का, देख लीजिए दोस्तों आप देख लीजिए महंत जी के हाथों में। आप बार बार कमेंट करते हैं कि भैया पंचमुखी जो शंख कैसा होता है, आप भी दर्शन कर लीजिए भाई। ये पंचमुखी शंख है, और यहाँ पर एक करीब करीब 500 वर्ष प्राचीन भगवान जी का मंदिर है। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा, यहाँ की जानकारियों से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि कहा जाता है, थोड़े से इधर की तरफ आ जाएगी, कहा जाता है कि भाई एक बार जो नरसिंह भगवान के दर्शन कर लेता है ना, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और उसी प्रांगण के अंदर में खड़ा हूँ, उसी परिसर के अंदर में खड़ा हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर महंत जी भी हैं। महंत जी जिनसे भी हम कुछ जानकारी जुटाना चाहेंगे, यहाँ पर ग्रामीण भाई बंधु हैं, उनसे भी हम काफी जानकारी जुटाएंगे और इस चैनल के माध्यम से हम आपको उस नरसिंह भगवान के भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। क्योंकि यार हमारा जो भारत देश है ना, त्यागी तपस्वी महान संतों का देश है, इसका तो कोई वर्णन क्या हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पर तो ये जो भूमि है ना, ये तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप आइएगा और ये देख रहे हैं आप इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर ये सीनरी वगैरह बनाई गई है यहाँ पर। अंग्रेजों का जमाना का सीन मारा है, वो गऊ चरा रहा है बाबा बहुत प्रेमी। और ये नरसिंह भगवान की कुछ सीनरियां ऐसे बनाई हुई है बाबा, अभी आपसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर महंत जी थोड़े से साइड में हो जाइए आप, सभी इस वीडियो के साथ जुड़ते जाए और कमेंट बॉक्स में नरसिंह भगवान की जय लिखते जाए। और भाई आप भावपूर्ण दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मंदिर है नरसिंह भगवान का, ये करीब 500 से 600 साल प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर जो भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी जुड़ते जाइए वीडियो के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भर भर कर शेयर करते रहिए भाई। क्या नाम बताया? पवन भारद्वाज। पवन जी, पवन जी आपका नाम भी काफी अच्छा है और यहाँ पर प्रभु की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, महाराज की है, हमारी क्या है। बिल्कुल, आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? जी हमारे तो पहले पिताजी कर रहे थे, वो थोड़े अब एज से थोड़े वो हो गए बुजुर्ग, आज से उनको 40 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता आ रहा है? नहीं जी, पिताजी थे अब हम वो थोड़े बुजुर्ग हो गए, तो उसकी सेवा में हम महाराज को सेवा ही करवानी थी, तो हम सेवा भी वैसे ग्रेजुएट हैं जी। हाँ, क्या कुछ इनकी महिमा के बारे में आप वर्णन करना चाहेंगे? भगवान की महिमा तो जी अपार है, इसकी महिमा गा के तो इसका गुणगान भी बहुत कम है। कोई चमत्कार है जी, देखो जी इसका नाम पहले ये बाबा प्रेमदास जी के नाम से जो ये बादशाह अकबर हैं, ये भी यहाँ पर
आए थे, इन्होंने मारा है, हिरण का शिकार किया था यहाँ पे। अच्छा, इससे तो उन्होंने कहा था कि वैसे ऐसे कौन से सिद्ध पुरुष है जो मेरे इस हिरण को गाड़ी में दे। तो महाराज स्वयं उनकी अंतरात्मा को जानते हुए स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं जो गौवे चराते थे। अच्छा, हाथ में शंटी रखते थे, अपनी हाथ में शिरनी रखते थे। जैसे ही बादशाह अकबर के सामने गए तो उन्होंने कहा भाई कि आप कौन हैं और ऐसे कौन से आप सिद्ध पुरुष हैं, तो अगर मेरे इस हिरण को आप गाड़ी में डाल दीजिए। तो जैसे ही कहते हैं कि जब एक प्राणी के अंदर जितना जीवन होता है उतने ही प्राणी जीव के अंदर भी होता है। देखो, तो उन्होंने जैसे ही एक शंटी इस हिरण के बढ़ाई तो हिरण तुरंत खड़ा होके ये भग गया था और दौड़ने लग गया, कहने का मतलब जीवित हो गया था। बादशाह अकबर भी इनके चरणों में गिर गया था। पीछे ये तपो भूमि छोड़ रखी थी, इसके लिए तालाब है गौओं के लिए। अच्छा, इस मंदिर परिसर के अंदर ही वो अच्छा बंजड़ है जो गौशाला के लिए गौओं के लिए है और इसके लिए और भी बहुत ज्यादा है। ये घोड़ा वाला देखो जो मेन गति है वही ये है जो काली खोली से बाबा मोहन राम के नाम से बहुत वो होता है, ये उनसे सबसे बड़ी गति है यहाँ पर है। अच्छा, पहले बड़ी गति यहाँ पर है, ये गांव सालावास है, स्वामियों का सालावास है। ये जो मेन जो चीजें वहाँ से आई जहाँ पंचरत्न रखे हुए हैं, यहाँ बाबा के जो पंचरत्न है उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। पहले चौकी है, ये शालिग्राम जी हैं, आपको दिख रहे होंगे पिंडी रूप में, नहीं ये पिंडी रूप में अलग से दिख रहे हैं, अलग से अदर रखे मैंने। ये बाबा का चिमटा है और ये बाबा की चरण खड़ा हुए हैं और ये शंख है प्राचीन, ये तो काफी बड़ा दिख रहा है, मैंने आज तक ऐसा संख ही नहीं देखा। प्राचीन जो महाभारत काल से पहले बताते हैं कि आज से 500 600 700 साल जो भी पुराना है इतिहास ये उसका है। इसकी ये भी खासियत है, आज तो चलो इसमें किसी के अंदर इतनी हिम्मत है लेकिन ये पहले बजता था। देखो हम कहते हैं बजता था। महंत जी, ये जो आप शंख दिखा रहे हैं असली का है शंख? बिल्कुल जी, ये शंख असली का है, असली शंख है, ये कोई नकली शंख नहीं है जी, असली शंख है। क्या बात है भाई। हाँ जी, ये तो करीब करीब मेरे हिसाब से महंत जी इसको 700 पुराने बताते हैं कि महाभारत काल से ये शंख का है इसका। और ये शंख जो पहले बजता है, अब भी ये शंख बजते हैं, ये भी बजता अच्छा। है, ये पंचमुखी शंख है ये बाबा का, देख लीजिए दोस्तों आप देख लीजिए महंत जी के हाथों में। आप बार बार कमेंट करते हैं कि भैया पंचमुखी जो शंख कैसा होता है, आप भी दर्शन कर लीजिए भाई। ये पंचमुखी शंख है और इस शंख की जहां तक आवाज जाती है जी, अगर गांव में कोई ओलावृष्टि होती है बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा, जहां तक आवाज जाएगी ये शंख तो वहां से ओलावृष्टि तुरंत ही। तो महंत जी क्या अपन जब आरती वगैरह करते हैं तो इस शंख को बजाया जाता है पंचमुखी को? बजता है ये, जैसे हम बजाते हैं कोई डेली यूज में ये होता है जी, डेली यूज के लिए ये है। और जैसे त्योहारों पे होता है, होली पे होता है, गोधन पे होता है, दीपावली पे होता है, जो भी बड़ी पूजाएं होती हैं अच्छा। तो ये सब बजते हैं, ये बजते हैं। अब इसके लिए तो देखो जी आज के टाइम में किसी अंदर सांस होता है बिल्कुल वो पूरे ही वो चाहिए। ये जो मेन चीजें हैं ये चरणामृत बोलते हैं जी, ये जो हम आपको ये शालिग्राम जी दिख रहे होंगे जी, इनको निलाया जाता है इसके अंदर सुबह रोज, बिल्कुल इनको निलाया जाता है, ये चरणामृत बनता है। ये चरणामृत सुभ आरती होती है, सभी गांव के जो लोग होते हैं वो आते हैं और ये आरती के टाइम शाम को भी बैठता है, पूरा गांव इसको लेके जाता है। चरणामृत की बहुत ही हम किसी बहुत चरणामृत जो बाबा का यहाँ मेन है और शक्कर का पर बाबा का प्रसाद है जो मेन है, और तो किसी भी पशु वशु को अगर किसी ज्यादा वो हानि होती है, अगर ज्यादा बीमार होता है तो हम उसको ये चरणामृत दे देते हैं। ये शंख होता है जी, इससे ये जल देते हैं हमें। क्या बात है भाई, ये जल है उसमें हम भभूत देते हैं जल के साथ, तो उसके
तो काफी असर होता है। बिल्कुल, जिसको हम मानते हैं कि साक्षात है, अगर हम सच्चे मन से मानते हैं तो बहुत बड़ी चीजें सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महंत जी ने। बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई बंधु हैं। एक बार थोड़ा सा पंखा बंद कर दीजिए भैया, थोड़ा सा आवाज में परेशानी आएगी। यहाँ पर गांव के भी लोग मौजूद हैं, काफी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मंदिर के अंदर चमत्कार है, क्योंकि नरसिंह भगवान के जो दर्शन कर लेता है ना, तो ये मान लो कि एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बाबा साहब थोड़े से इधर की तरफ आइए, अब इधर। क्या नाम है बाबा? साधुराम। साधुराम जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पवित्र स्थान पर, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, यानी त्यागी तपस्वियों का स्थान है, क्या कहना चाहेंगे? तपस्वियों का है जी, स्वामियों का है, सनावास पंडितों का, क्या कहना चाहेंगे इस? ये बहुत बढ़िया जगह है जी, दुनिया आती है बात के चेले चाले इसके बहुत। अच्छा, क्या कुछ चमत्कार कभी आपके साथ हुआ है? चमत्कार हम तो ध्यान है, जो हमारा काम सही हो जाए। बिल्कुल सही। बाबा साहब अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा हौलदार ज्ञानचंद है जी। ज्ञानचंद जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो सच्चिया आत्मा दाता है उसका पूरा काम होता है, जो भी मन में कर लेगा कि मैंने ये करना, हमारा बोल बोलता। और बाहर बाहर से बहुत तपस्वी लोग आते, सबका कार्य कार्य सब कश। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर कोई वार वगैरह है क्या, आने के लिए कोई वार हो स्पेशल? मेरा भरता है धूल निकल इसका, होली के एक दिन बाद में। अच्छा, मैं मकसद तो वो है मेरा जी, और उससे पहले द्वादशी को भी आते बहुत ज्यादा चलता, और वैसे चलते रहते, जब भी कब दिल करता है किसी यात्री का उसी टाइम आता है। और जी आप भी आ जाइए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम जसवंत जी। जसवंत जी क्या कहना चाहेंगे इस भव्य मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में भी बहुत बढ़िया है जी, जो कोई आदमी आता है उसका सबका ही काम करता है, और सिद्ध होता है, सिद्ध होते हैं। और जिस जो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको भावपूर्ण नरसिंह भगवान के दर्शन करा दिए। यहाँ पर आप भी बड़े भावपूर्ण दर्शन करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा मेरे साथ में। यहाँ पर महंत जी आ जाइए मेरे पास में। यहाँ पर महंत जी थे जो तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू कराया, और ये रेवाड़ी से महज करीब करीब 20-25 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और गांव सालावास है। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी रेवाड़ी घूमने आते हैं या फिर कैसे भी आते हैं, तो एक बार यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बार आप दर्शन करेंगे ना, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आया था आपको, मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम जानकारियों से रूबरू करा दिया। अगर जो और कोई सवाल हो आपके मन में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।